नीतीश के हाथ लगी बड़ी सफलता। दसाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कुछ समय से चोरों ने आतंक मचा रखा था, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे थे। पिछले दिनों दसाई पुलिस चौकी ग्रामवासियों एवं पूर्व विधायक श्री प्रताप ग्रोवल द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसे NHI न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। धार SP वीरेंद्र कुमार द्वारा टीम गठित कर घेराबंदी की गई, जिसके फलस्वरूप चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से 10 दो पहिए वाहन भी बरामद हुए। इस कार्य के लिए दसाई पुलिस को हार्दिक धन्यवाद। इन ग्रोह में से कौन कौन व्यक्ति है और कहां कहां के और इनके कितने वाहन इनसे आपने जब्त किए? आईटी में लेना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बढ़ती हुई चोरियों को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि इसका पर्दाफाश करना, इन चोरियों में कौन कौन लोग हैं। इसी के तारतम्य में थाना अमझेरा हमारे बलवीर यादव चौकी प्रभारी दसई के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रूपेश द्विवेदी सचिन शर्मा साहब के निर्देशन व SDOP महोदय कंसोटिया साहब के निर्देश पर हम लोग लगातार लगे रहे और इस गिरोह को पकड़ने में कल 31 तारीख को हमको सफलता मिली है और इसमें हमने कुल 3 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो वाहन चोरी करते थे और 3 ऐसे लोग हैं जो उन वाहनों को खरीदते थे। इस तरह से कुल 6 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी तक उनसे 12 मोटरसाइकिलें 6 लाख से अधिक की कीमत की जब्त की जा चुकी है। आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और उसके तहत PR प्राप्त करके और भी चोरी का खुलासा होने की संभावना है। सर, ये चोर कहाँ कहाँ तक अपनी चोरी का काम करते थे ये और अभी जो फिलहाल इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें पीथमपुर एरिया, धार और रतलाम, इस साइड से इन्होंने वाहन चोरी करना कबूल किया है। इसकी तस्दीक हम लगातार कर रहे हैं। सर, एक बताइए, ये लोग चोर कितने समय से चोरी का काम कर रहे हैं? ये चोर लगभग 1-1.5 साल से चोरी की वारदातों का 2 साल से अंजाम दे रहे हैं। चोरी में कोई वाहन की चोरी कर रहे हैं या अन्य और चीजों की? फिलहाल जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई है उसमें वाहन चोरी के बारे में ही बताया है, बाकी और भी पूछताछ हम कर रहे हैं, अन्य चोरियों के बारे में भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। इस क्षेत्र से कोई चोरी इन्होंने कबूल की क्या? ये जो चोरियां हैं लगभग धार जिले की हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि पीथमपुर, धार वगैरह, मतलब उसमें दसई चौकी से संबंधित कोई चोरी? हाँ, अभी दसई चौकी क्षेत्र की कोई भी चोरी में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रहने वाले इसी क्षेत्र के। दूसरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है हमारे क्षेत्र में। आए दिन 3 से 4 दिन पहले भी एक चोरी की घटना को हुई थी, चोर पकड़ नहीं पाए, तो वाकई में चोरी की जो घटना हो रही है इसमें आप लोग कितना सशक्त हैं अभी? चोरी की घटना का जैसे मैंने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोग लगातार लगे हुए हैं और हमारी टीम गश्त करती है। बाहर से भी हम लोग समय समय पर बल बुलवाते हैं और लगातार सर्चिंग करते हैं, अलग अलग स्थानों पर चेकिंग भी करते हैं और यही चेकिंग का ही है परिणाम है, सूचनाएं मुखबिर से जो प्राप्त हुई है। इस तरीके का हमने एक गिरोह पकड़ा है, आने वाले दिनों में जो आप जिन चोरियों के बारे में बता रहे हैं उनका भी खुलासा करेंगे हम। क्या सर, कोई बड़ी चोरी की इनके माध्यम से पकड़ में आई है सर क्या? PR लेकर अब इनसे पूछताछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ घटनाओं को और प्रकाश में आ सकते हैं। नाम राजेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी अमझेरा।